हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज अपने वीडियो की शुरुआत इस फाइकस से प्लांट से कर रही हूँ, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फाइकस प्लांट को बोनसाई कैसे बनाना है और किस टाइप का गमला देना है जिसमें बोनसाई का आप अगर लुक देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और किन किन बातों का ध्यान रखना रहेगा, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो ये मेरा देख सकते हैं, ये मेरा फाइकस का प्लांट है। आज मैं इसी की बोनसाई बनाने जा रही हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी बोनसाई बनाना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसमें देखिए ये जड़ें सब निकलने लगी हैं। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ये सब जड़ें हैं। अगर मैं इसको बोनसाई का लुक दे दूँगी तो ये मेरा बहुत ही खूबसूरत लगेगा, तो ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं गमला आपको दिखा लेती हूँ, उसके बाद तब बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं बोनसाई बनाने के लिए जो चौड़ा वाला होता है, चिपटा वाला गमला, वो सबसे बेस्ट होता है। और इसकी देखिए लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं, तो यही मैंने लिया है। और मिट्टी में मैंने क्या क्या लिया है, वेल्ड्रेन मिट्टी ली है। तो इसमें मैं पहले से किसी गमले के लिए मिट्टी तैयार की थी, तो उसी में का ये बचा हुआ है। तो ये मेरी धान की भूसी है, और इसमें गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, और इसमें मतलब बहुत सारे हैं, बालू है लाल वाली, सबको मिलाकर मैं तैयार की थी। तो इसी में मैं लगा दूंगी, और कुछ इसी में का मिट्टी लेकर और इसमें लगा दूंगी, और इसमें मैं फंगीसाइड पाउडर मिला लूंगी। तो चलिए सब मिला उला लेते हैं, उसके बाद तब फिर लगाते हैं, तो फिर बताएंगे क्या क्या करना रहेगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। फ्रेंड, इसको बोनसाई आकार देने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप भी ऐसे बोनसाई आकार बनाइए और इस टाइप के गमले में अगर देंगे तो देखने में बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। तो चलिए इस गमले में से निकाल लेते हैं, तो फिर इसमें हम बताते हैं। तो इस बड़े वाले गमले में से सबसे पहले इसको निकाल लेंगे अच्छे से, सावधानीपूर्वक। तो आप भी ऐसे निकाल लीजिएगा, उसके बाद तब बनाइएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी लंबी लंबी निकल गई हैं, और मैंने इसको निकाल दिया। एक तरह से भी अच्छा किया कि इसमें देखिए फंगस भी आ रहे थे इसके गमले में, आपको शायद काले काले दिख रहे हों, अजीब से कीड़े, ये कीड़े ख़राब कर देते हैं पौधों को। और थोड़ा बहुत ये मेरा वो भी हो गया था। तो चलिए इसको मिट्टी को आधी तोड़ लेते हैं, ठीक है? तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसको सावधानी से ऐसे तोड़ेंगे, और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था। मैं नर्सरी गई थी, तो वहाँ नर्सरी वाले भैया मेरे को कटिंग दिए थे, तो मैं लाई थी वहीं से और मैं लगाई थी। ये मेरी कितनी अच्छी मतलब ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ में बिल्कुल ही कमी नहीं है। ये देखिए जड़ें इसकी कितनी अच्छी बनी है, नीचे भी जड़ें इसकी देखिए, देखिए ये देखिए फ्रेंड, इसकी जड़ें कितनी अच्छी है, कितनी मोटी जड़ें बन गई हैं, और ये काफ़ी मेरा अच्छा ग्रोथ कर गया है। ये देखिए, अब इसको मैं जब बोनसाई दूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तो इसकी मिट्टी और तोड़ लेते हैं, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी अच्छे से एकदम। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी इसकी जड़ें हैं, और इसकी मिट्टी देखिए मैंने कितनी अच्छी तैयार की थी, बिल्कुल वेल्ड्रेन मिट्टी। एक चीज़ और देखिए फ्रेंड, मैंने इतनी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, आज सारे कटिंग मेरे चल गए, और ये मेरी बहुत ऊपर की जो टिप होती है मैंने उसको लगाया था। तो ये देख सकते हैं, मैं एक बार इसकी छटाई कटाई की थी, तो जितनी इसकी छोटी छोटी कटिंग निकली थी तो मैंने सबको लगा दिया था, और सब ये अच्छे से ग्रो कर गए हैं। तो आज मैं जितनी फिर कटिंग काटूँगी तो सबको फिर लगाऊँगी। तो ये देख सकते हैं, तो ये देखिए मैंने इसकी जड़ों को पूरा खोल दिया है, और इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी हैं। तो मैं यहाँ तक इसको कट कर दूंगी, उसके बाद तब मैं लगाऊंगी, बाकी और नीचे की तो रहेंगी ही, तो इतना तो ये अटल पाएगा नहीं पूरा ये मेरा, तो इसको तो कट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फिर मैं कट करती हूँ, और उसके बाद तब मैं फंगीसाइड पाउडर लगाऊँगी, उससे ये फ़ायदा होगा कि फंगस का अटैक नहीं होगा। इसको कट कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए मैंने इसके एक्स्ट्रा जड़ों को काट के निकाल दिया है, इसलिए कट कर दिया है क्योंकि ये गमला मेरा थोड़ा सा चिपटा वाला है, तो उसमें ये सब अटेंगे नहीं, तो इतना इसके लिए काफ़ी है। अब इस पर हम फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे, चलिए लगा देते हैं इस, ताकि फंगस का कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि फंगीसाइड ज़रूरी होता है
इसको फंगस से भी बचाता है और रूटीन हार्मोन का भी काम करता है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो जो ये पॉटिंग मिक्स है और इस पॉटिंग मिक्स में दोनों मिला देंगे एक में, उसके बाद तब हम लगाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने दोनों को एक में कर दिया है, अब मैं दोनों को मिला लूँगी और मेरी बहुत ही अच्छी वेल्डन मिट्टी तैयार हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अभी न्यू मतलब मेरा ये प्लांट हो गया और मैंने इसकी जड़ें भी काट डाली हैं काफ़ी, तो ये गलने के चांस नहीं रहेंगे। ऐसे भी ये गलता नहीं है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, थेथर प्लांट होता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी। बस जब न्यू रहता है तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है कि पानी जब भी डालना रहता है थोड़ा सा चेक करके पानी डालते रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ऐसे भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको एक बच्चा भी चाहे तो ग्रो कर सकता है फ्रेंड। तो आप इसकी कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और बोनसाई ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसका कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और रहने इसका चौड़ा कर देंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसकी ड्रेनेज को थोड़ी सी और चौड़ी कर दिया, इसके ऊपर छोटा सा ये टुकड़ा रखेंगे ताकि जो भी हम पॉटिंग डालें तो ख़राब ना हो। तो चलिए इसमें हम पूरा मिट्टी भर लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ पॉटिंग मिक्स डाल लिया है, और पौधे को मैं इसी में ऐसे खड़ा करूँगी सावधानीपूर्वक, उसके बाद तब मैं इसमें लगाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इतनी मिट्टी भर ली है, अब इसको भरने के बाद तो फिर इसको अच्छे से और भरेंगे, यहाँ तक मैं मिट्टी भर दूँगी, उसके बाद तब मैं इसको दबाऊँगी अच्छे से। चलिए तो पूरा मिट्टी भर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी को अच्छे से भर लिया है, उसके बाद मैं एक एक करके ऐसे अच्छे से दबा दूँगी ताकि सारी मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी, उसके बाद तब इसमें हम पानी डालेंगे। चलिए तो मिट्टी बैठा लें। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा लगा दिया अच्छे से और इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से दबा दी है, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी ऐसे करके ताकि ये एक बराबर हो जाएगा सारा पौधा मेरा। तो जो भी एक्स्ट्रा ये आपको दिख रही हैं इसको कट कर देने से बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो देख सकते हैं मैंने सबको एक एक करके सबको काट दिया, बहुत ही अच्छा इसको मैं बोनसाई लुक दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से कर दी प्रॉपर तरीके से। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। चलिए, पानी डालने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें, अब ये जितनी निकली हैं इसको फिर मैं इसी मिट्टी में दबा दूँगी, बाद में फिर ये मेरे काम में आ जाएगा, फिर मैं नया प्लांट तैयार कर लूँगी। तो ऐसे करके मैं सबको सिंपल सा है, जितना निकला है सबको मैं इसी में फिर ऐसे दबा दूंगी। तो देख सकते हैं कटिंग भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई थी, तो इसको मैं एक एक करके फिर इसी में लगा दे रही हूँ। हो सकता है किसी को देने के काम आए या फिर न्यू प्लांट बनाने के काम आ जाए मेरे, जो भी होगा अच्छा ही होगा, फेंकने से तो अच्छा है ना, या तो किसी को दे दीजिए या तो अपने यूज में ले लीजिए। मेरे तो ज़्यादातर फ्रेंड लोग आते हैं लेके जाते हैं, नहीं तो रिश्तेदार। मैं एक भी कटिंग फेंकती नहीं हूँ, चाहे वो किसी फूल का हो, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, जो भी हो मैं फेंकती नहीं हूँ, सोचती हूँ किसी का हो जाएगा। तो आप लोगों को भी ज़रूरत होगी या जो होगी गोरखपुर के तो बताइएगा, मेरे पास बहुत कटिंग ऐसे रेडी करके रखी रहती हूँ, तो मैं आपको दे दूँगी। और ये देख सकते हैं छोटी से छोटी कटिंग हो जाएगी और ये बहुत अच्छा मेरा प्लांट निकल के आएगा तैयार होकर। तो चलिए इसको ऐसे लगा लेते हैं, अंत में ये बचते हैं हमारा, उसके बाद तब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो अब भी ऐसे करिएगा, जो भी निकले उसको दबा दीजिएगा। तो ऐसे करके अब चलिए इसमें पानी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे इसके बाद पानी डाल दूँगी और ये मेरा सब तैयार हो जाएगा फिर प्लांट। मेरा बोनसाई भी हो गया, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे ही, जब भी ये इसकी न्यू पत्तियाँ निकले उसको कटिंग करते रहिए तो नीचे की तरफ ये फैलता रहेगा और बहुत बढ़िया बोनसाई का लुक लेगा ये। तो फ्रेंड, अगर मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आप भी ऐसे बोनसाई बनाइए और आप भी ऐसे ढेरों कटिंग लगाते रहिए। तो वीडियो का एंड करते हैं, बाय, थैंक यू फ्रेंड।